बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, ऐसी वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि हमारी सिंध की प्याज की फसल जो है ना, वो उसमें काफ़ी बीमारी आ गई है। फाइटोप्थोरा और पिथियम वगैरह की वजह से ना, रूट राट की बीमारी जो है ना, इस साल बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इस वीडियो क्लिप में ये भी बताया जाए कि इसका हल क्या है। तो ये आपको पता है कि आप ये सिंध का एक कंट्रीब्यूशन है। ये अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक सिंध की फसल चलती है और मुल्क की, पूरे मुल्क की जो है ना, ज़्यादातर शेयर जो है ना, वो सिंध का ही है। तो अब सिंध में कई अशरों से प्याज लग रहा है, उसके 17-18 अजला में और कई इलाकों में, मटियारी, हाला, नसरपुर, ताजपुर और टंडो आदम में बहुत लगता है प्याज। दरिया के दोनों तरफ आप समझेंगे, दरिया सिंध के साथ साथ ना, नरम जमीनों में, हाँ जी, टंडो वाला यार में, टंडो जाम में जो है ना, ये नवाबशाह में भी लगता है। तो मतलब यह है कि ये वसी पैमाने के ऊपर इसकी नर्सरी जो है ना, ये जून में लगती है, जिसे जुलाई के दौरान या अगस्त के शुरू में मुंतकल कर दिया जाता है। अब इन इलाकों में चूंकि बहुत अरसा से प्याज लग रहा है, तो डिजीज प्लांट डेब्रस जो है ना, वो उसके अंदर बिल्डअप हो चुका है, फाइटोप्थोरा, इसकी वजह से डैम्पिंग ऑफ जो है ना, पहले तो नर्सरी में मुसीबत बढ़ जाती है कि नर्सरी नहीं सारी काबू आती, जितने मर्जी दवाइयाँ कर लें वो काबू ही नहीं आती। साफ सारे जगह बदलने की ज़रूरत है, जगह को तो जगह बदल के कहाँ जाएँ, कौन सी जगह पर लगा, नर्म जगह ज़मीन है जहाँ पर, जो ठंडी ज़मीन है जहाँ पर बनता है वहीं लगाना है। अब सिंध का जो प्याज हजारी है, इसका रेट अगर 100-150 रुपए किलो हो जाना है, हाँ जी, तो वो जिम्मेदार तो बेचारे कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल किया जाए। अब याद रखें कि ये चूंकि ये इलाका चूंकि अब बीमारी का गढ़ बन चुका है, पंजाब में किसी हद तक आराम है, पंजाब में भी ये बीमारी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर उतनी शिद्दत के साथ नहीं है। अकेला फाइटोप्थोरा जो है ना, ये बीमारी होती है, इसकी वजह से जो अगर ये रूट राट की बीमारी लगती है ना, जो कि उसे ही पौधे मर जाते हैं या ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी ये जारी रहती है। मैनकोजे मेटालैक्सल जो है ना, ये थोड़ी डोज ज्यादा करके गुजारा करती है, लेकिन इससे पूरा काम नहीं हो रहा। देखें, फाइटोप्थोरा जो है, ये लोअर फंजाई का मेरा मतलब जरासीम है, इसके साथ जो है ना, ये चूंकि गढ़ बन चुका है, साथ पिथियम भी, जो कि लगड़ बगड़ समझ लें इसको, कुत्ते की जगह फाइटोप्थोरा का कुत्ता समझ लें, कुत्ते जो है ना, उसका तो इलाज इजी है, डांग फेरी तो भाग जाते हैं, लेकिन पिथियम जो है ना, ये लगड़ बगड़ है, स्पेशलाइज्ड है, ये नहीं मरता इस जो जो मेटालैक्सल मैनकोजेब से। अब महंगी जहरें, जदीद जहरें, वो अब इसके ऊपर स्प्रे होंगी तो ये बनेगा। दूसरी सूरत ये है कि जगह बदलें, नर्सरी लगाएं तो ठंडी जगह पर रखें, हाँ जी, या मौसम कोई क्लाइमेट चेंज का कोई, किसी साल जो है ना, ये काम भी नुकसान करती, किसी साल बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गई है। तो अब बात यह है कि इसका इलाज क्या है, दो और फिर बात करें। इसका इलाज ये है कि एक, अगर तो सीजन लॉन्ग इलाज करना है तो वो ज़रा महंगा है। 1 किलोग्राम टॉप्सन एम, यानी है तो थायोफिनेट, लेकिन याद रखें कि टॉप्सन एम इज बेटर दैन थायोफिनेट ऑफ एनी कंपनी। जो जेनेरिक कंपनीज की थायोफिनेट है उसके मुकाबले में टॉप्सन एम रिजल्ट देती है। 1 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड करनी है, अलग ड्रम के में डालकर, और 1 किलो इलियट, इलियट आपको पता है कि वो बाहर की प्रोडक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी 1 किलो, दोनों अलग अलग 2 ड्रमों में ये फ्लड करनी है, दोनों मिक्स नहीं करनी है एक ड्रम के अंदर। या तो ये कर लें, ये काफ़ी महंगा है। अगर ये मुमकिन नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं, बचत करना चाहते हैं, तो आप विडाल इस्तेमाल करें, जाफर एग्रो की नई प्रोडक्ट है विडाल, 240 मिलीलीटर फी एकड़ आप स्प्रे करेंगे, 2 स्प्रे हफ्ते के वक्फे से, यानी 6 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे विडाल के करें और तीसरा स्प्रे टॉप्सन एम का 400 ग्राम फी एकड़, ये स्प्रे कर लें। इस तरह करते कराते जो 90 दिन पूरे हो जाए, 90 दिन में ये वैसे तैयार हो जाती है। इसके जो है ना, कुल मिला के 4-5 स्प्रे बनेंगे, कोई दवाई फ्लड करने की जरूरत नहीं। बहरगलब टॉप्सन एम और इलियट के मुकाबले में विडाल और टॉप्सन एम का जो फार्मूला है ना, ये स्प्रे वाला, ये कदरे कम कीमत पड़ता है। ये भी टेम्परेरी बंदोबस्त है, मुश्किल हाल यही है कि एक मरतबा कुछ रकबे जो है ना, वो तब्दील कर लें तो बेहतर रह जाएगा।